इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही, जहां पर इमरान खान के घर में 30 से 40 आतंकी छिपे होने की खबर है। पाकिस्तानी सरकार की ओर से यह दावा किया गया है कि इमरान खान के घर में 30 से 40 आतंकवादी छिपे हुए हैं। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। पुलिस का दावा है कि इमरान खान के घर में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला है। हालांकि जानकारी के मुताबिक लाहौर के जमान पार्क में जो इमरान खान का घर है, उसके बाहर बड़ी तादाद में पुलिस जमा हो गई है। पुलिस के मुताबिक उन्हें ऐसा इनपुट मिला है कि इमरान खान के घर के अंदर 40 आतंकवादी जो हैं वो छिपे हुए हैं। इस बीच इमरान खान के जो समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में इमरान खान के घर के बाहर अब जमा होने लगे हैं। तो बड़ी अपडेट पाकिस्तान से, और अब माना जा रहा है कि अब इसके बाद पुलिस और इमरान खान के समर्थकों के बीच झड़प भी हो सकती है। आपको याद दिला दें कि इमरान खान को 9 मई को पाकिस्तान रेंजर्स ने कोर्ट परिसर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बाद में अदालत के फैसले के बाद में उन्हें रिहा किया गया, लेकिन उसके बाद से लगातार पाकिस्तानी सेना इमरान खान पर शिकंजा कसने की कोशिश में है। इसे लेकर उनके खिलाफ आर्मी एक्ट लगाने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, जिसमें फांसी और उम्र कैद जैसा प्रावधान भी है। और ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि इमरान खान को फांसी देने की फिराक में पाकिस्तानी सेना जो है वो है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर कि इमरान खान के घर में 30 से 40 आतंकी छुपे होने की बात कही जा रही है। पाकिस्तानी सरकार जो है इमरान खान के समर्थकों को और इमरान खान को भी आतंकवादी कहकर उन्हें ट्रीट कर रही है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।